नमस्कार साथियों, तो स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल पॉइंट स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, हमने वन पाल एवं वन रक्षक के लिए राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज शुरू की है, इसलिए वीडियो को आप जरा भी स्किप ना करें क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, राजस्थान में कहाँ पर शरद महोत्सव मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है माउंट आबू में, ठीक है। तो दोस्तों, आपको 25% दिए जाएंगे, जिसमें से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वो हमें जल्दी जल्दी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगला देखते हैं प्रश्न। तो अगला सवाल है कि राजस्थान में किस शहर में हाथी समारोह मनाया जाता है? तो आपका उत्तर होगा जयपुर, ठीक है। जयपुर में कौन सा समारोह मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है हाथी समारोह, कहाँ पर? जयपुर में। अगला देखते हैं। तो अगला सवाल है, निम्न में से राजस्थान के किस ज़िले में दशहरा मेला लगता है? तो आपको याद रखना है वो लगता है कोटा में, ठीक है। कोटा में दशहरा मेला लगता है। अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि राजस्थान में मारवाड़ उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है यह मनाया जाता है जोधपुर में, ठीक है। जोधपुर में मारवाड़ उत्सव मनाया जाता है। अगला देखते हैं। तो दोस्तों, अगला सवाल है, निम्न में से कौन से उत्सव का आयोजन बूंदी में होता है? तो बूंदी में कौन से उत्सव का आयोजन होता है? कजली तीजोत्सव का आयोजन कहाँ पर होता है? तो आपको याद रखना है कहाँ पर? बूंदी में होता है। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, हड़ौती बोली राजस्थान के किस ज़िले में नहीं बोली जाती है? तो आपको याद रखना है वह बोली जाती है टोंक ज़िले में हड़ौती बोली नहीं बोली जाती है, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, राजस्थान में कागज़ पर जो चित्र उकेरे जाते हैं उसे क्या कहते हैं या उसे क्या कहा जाता है? तो आपको याद रखना है उसे कहा जाता है पाणा, ठीक है। पाणा किसे कहते हैं? तो आपको याद रखना है राजस्थान में कागज़ पर जो चित्र उकेरे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? पाणा। अगला देखते हैं। तो अगला सवाल है, राजस्थान में गोबर से घर की दीवारों पर चबूतरे पर क्या बनाया जाता है? तो आपको याद रखना है पाणा बनाया जाता है। अगला देखते हैं। तो अगला सवाल है, कौन सा उत्सव चांद दिखाई देने पर मनाया जाता है? तो मनाया जाता है उपयुक्त सभी, यानी कि उड़से, मोहर्रम और ईद उल जुहा, ये तीनों उत्सव जब चांद दिखाई देता है तब मनाया जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, कृष्ण भक्त मीराबाई का जन्म मीराबाई का मंदिर राजस्थान में कहाँ पर है? तो आपको याद रखना होगा मेड़ता में, ठीक है। मेड़ता में मीराबाई का मंदिर है, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, राजस्थान में स्थित चाकसू में शीतला माता का मेला कब बढ़ता है? तो आपको याद रखना है यह बढ़ता है चैत्र कृष्ण आठम को, चाकसू में शीतला माता का मेला बढ़ता है, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, कीर्ति स्तंभ तथा विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो आपको याद रखना है यह स्थित है चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, जयपुर का पुराना नाम क्या था? तो आपको याद रखना है पुराना नाम था ढूंढार, ठीक है। ये पहले भी पूछा था मैंने, ठीक है। जो रिपीट हो रहे हैं ना प्रश्न, वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए उनको प्रश्न को तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है, जो रिपीट हो रहे हैं। अगला देखते हैं प्रश्न। तो अगला सवाल है, कर्नल टॉड ने किस शिखर को संतों का शिखर के नाम से संबोधित किया है? तो आपको याद रखना है यह किया है गुरु शिखर को, ठीक है। गुरु शिखर को संतों का शिखर के नाम से संबोधित किया है किसने? कर्नल जेम्स टॉड ने। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, तारागढ़ का निर्माण कराया था, यह भी मैंने पूछा था पहले, ठीक है। तो तारागढ़ का निर्माण किसने कराया था? तो आपको याद रखना है यह कराया था अजय देव ने तारागढ़ का निर्माण करवाया था। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मरु महोत्सव
कहाँ पर मनाया जाता है तो आपको याद रखना है, यह मनाया जाता है जैसलमेर में। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला सवाल है, शाकंभरी के चौहान राज्य का संस्थापक कौन था या कौन थे? शाकंभरी के चौहान राज्य का संस्थापक कौन था तो आपको याद रखना है वासुदेव। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला सवाल है, राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम निषेध की गई थी। राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम निषेध की गई थी तो कहाँ पर की गई थी? जयपुर में। ठीक है, जयपुर में सती प्रथा सर्वप्रथम निषेध की गई थी। अगला देखते हैं। तो अगला सवाल है, राजस्थान का राज्य दिवस कब होता है या राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है या राजस्थान का राज्य दिवस कब होता है तो आपको याद रखना है यह होता है 30 मार्च को। ठीक है, राजस्थान का राज्य दिवस कब होता है तो आपको याद रखना है 30 मार्च को। अगला देखते हैं, राजस्थान का राजकीय पक्षी कौन सा है? राजस्थान का राजकीय पक्षी कौन सा है? ये तो सबको पता है, गोडावण। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला सवाल है, राजस्थान का राजकीय वृक्ष कौन सा है? ये भी पता है आपको, खेजड़ी। ठीक है, तो राजस्थान का राजकीय वृक्ष कौन सा है तो आपको याद रखना है खेजड़ी है। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, राजस्थान का राजकीय पशु कौन सा है? ये भी पता है आपको, कौन सा है? चिंकारा। ठीक है, चिंकारा है जो राजस्थान का राजकीय पक्षी है, राजकीय पशु है। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, राजस्थान का राजकीय खेल कौन सा है तो आपको याद रखना है हॉकी। हॉकी है जो राजस्थान का राजकीय खेल है। अगला देखते हैं। तो अगला सवाल है, राजस्थान का राजकीय पुष्प कौन सा है तो आपको याद रखना है रोहिड़ा। ठीक है, रोहिड़ा है जो राजस्थान का राजकीय पुष्प है। अगला देखते हैं। तो अगला सवाल है, राजस्थान का राजकीय भाषा या राजकीय भाषा कौन सी है तो आपको याद रखना है हिंदी। ठीक है, तो दोस्तों आपने 25 में से कितने प्रश्न सही किए हैं हमें जल्दी से जल्दी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा या आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल साबित हुआ तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।